नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y28e 5G versus Realme Nazo 70 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y28e में 6.44 इंच जबकि Nazo 70 में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y28e से कम है। विड्थ की बात करें तो Y28e में 2.98 इंच जबकि Nazo 70 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y28e में 0.33 इंच जबकि Nazo 70 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y28e में 185 ग्राम जबकि Nazo 70 में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y28e में LCD जबकि Nazo 70 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y28e में 6.56 इंचेस जबकि Nazo 70 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y28e में 720x1612px HD+ और Nazo 70 में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y28e में 84.01% जबकि Nazo 70 में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y28e में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 70 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y28e में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 70 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y28e में 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 70 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y28e में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Nazo 70 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y28e में Mali G57 MC2 जबकि Nazo 70 में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y28e में MediaTek Dimensity 6300 और Nazo 70 में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो Y28e में 4GB की RAM मिलती है जबकि Nazo 70 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y28e में 64GB जबकि Nazo 70 में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y28e में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 70 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,365 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y28e 5G में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 70 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Nazo 70 आगे है, मेन कैमरा में Nazo 70 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nazo 70 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Oppo K12 X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 40 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।